लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अलग अलग मुद्दे छाए हुए थे। अगर हम बात करें तो संपत्ति विरासत की जो संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर जो बयान है वो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। अलग जो पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके अलग अलग आरोप प्रत्यारोप है। मंगलसूत्र पर विवाद है, आर्थिक सर्वेक्षण पर विवाद है। महिलाओं से हम बात करते हैं, चूंकि सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इन तमाम विवादों को लेकर वो कैसे देखती हैं, इस लोकसभा चुनाव में उनके इशूज़ क्या होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, अलग अलग तबके की महिलाओं से, युवतियों से हम बात करेंगे। और आप ये बताइए कि ये जो पूरा, अगर हम बात करें तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं। पहले चरण के चुनाव तो हो ही चुके हैं, दूसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें अलग अलग बयान आए हैं, तो ये पूरा जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरह से आप देखती हैं आप, चूँकि वोट देने भी जाएंगे आप? वोट देना चाहिए वैसे तो, और जैसे हम अपने प्रत्याशी चुनते हैं तो हम ये देख कर चुने कि वो प्रत्याशी जो है सही है कि नहीं है, और वोट आप अवश्य दीजिए। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि आर्थिक, राहुल गांधी कहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, हमारी जो सरकार आएगी हम आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि किसके पास, अगर किसी के पास ज़्यादा धन है तो हम इस बात को लेकर एक कह सकते हैं कि श्योर करेंगे कि भाई जो धन है वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के पास इकट्ठा मत हो, सबके पास हो। एक जो निचले तबके का व्यक्ति है उसके पास भी वो तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा हो, तो इसको किस तरह से देखते हैं? दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि कांग्रेस जो है वो आपका मंगलसूत्र तक मुसलमानों को सौंप देगी। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मंगलसूत्र जो है हमारी निशानी है, पति की निशानी है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, वो कह रही कि ऐसा कर देगी, ऐसा नहीं ऐसा होता है, होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नेता कैसा रहेगा, नेता के ऊपर रहता है कि वो कैसा रहेगा। बाकी अगर शिक्षित जनता है तो वो वोट उसी को देगी जो सही है, उसमें कांग्रेस क्या बीजेपी क्या वो कोई भी मायने नहीं रखता। जो शिक्षित नागरिक है वो देख रही है कि कौन सही है, कौन देश को चला सकता है, सही रास्ते में ले जा सकता है, वो उसी को चुनेगी। बाकी मुद्दे क्या रहेंगे, आप जब वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में अगर हम बात करें तो इश्यूज क्या रहेंगे? इशू तो बहुत सारे हैं, पर प्राथमिक आपका तो महिलाओं को सुरक्षा देना है। सबसे प्राथमिक है कि वो कोई भी देश में हो, या हमारे देश की बात कर लो या कोई भी छोटा स्टेट हो गया, कहीं भी महिलाओं को पहले सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उस पर सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो आपकी बेरोजगारी हो गई। शिक्षित है फिर भी बेरोजगार है, अशिक्षित है फिर भी बेरोजगार है, तो दोनों का समाधान किया जाए। महंगाई का मुद्दा नहीं है आपके लिए, चूँकि गृहिणी? महंगाई बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर उसके लिए कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार है, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ इसलिए मैं उस चीज़ को जल्दी फोकस करती हूँ, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। उसमें आप एकदम सरकार के ऊपर भी नहीं बोल सकते कि सरकार सही है या गलत है, आप भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि चॉइस तो आपकी थी सरकार की। और दूसरा, जब तक जनसंख्या कंट्रोल में है तब तक ये है, ये जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो बयान आते हैं, अलग अलग बयान, आपको लगता है इन बयानों का कोई असर पड़ेगा? नहीं, बयानों से आप बयानों के पीछे नहीं देखो, 10 मुंह हैं 10 बातें होगी, सबके अलग अलग है, सबका अलग अलग ओपिनियन रहेगा। पर ये हाँ, एक अगर शिक्षित और समझदार व्यक्ति होगा ना, जब वो वोट देने जाएगा ना, तो जात पात धर्म ये सबको सोचने बैठेगा तो कभी सही वोट नहीं देगा। वो जात पे जाएगा, धर्म में जाएगा, तो फिर वो सिर्फ उसी को चूज़ करेगा जो उसकी जात का है, उसकी धर्म का है। तो मेरा बोलना ये है कि आप निष्पक्ष होके वोट दीजिए। वोट देने जाएंगे आप? वोट सोच के अपन चुनू देना है, सोच के आप जो सरकार अच्छा से चला है संसार ला, वैसे करके गरीब ला चिन्ही पहचान ही, और पूरा भारत ला संसार ला चला ही अच्छा से, वैसे ला वोट देना तो है। अच्छा, आप मन लगता है कि गरीबी है देश में? हाँ, गरीबी है ना, गरीबी है, और गरीब के जैसे पहचान ही गरीब ला, ओकर मदद कर ही सहारा कर ही, तो वैसे ला तो सरकार बनाना है। आप ये बताइए, वोट देने के लिए आप जाएंगी? हाँ। तो क्या आपके दिमाग में रहेगा जब आप वोट देने के लिए जाएंगी तब? सर, वोट देंगे मोदी को ही देंगे भाई, वही तो सब कर रहा है। अच्छा। चला रहे हैं भाई भी बच्चे बच्चे को, और अभी आए थे तो रक्षण भी नहीं मिलता, कॉलेज वॉलेज जाओगे तो एडमिशन के लिए बहुत परेशानी होता है, इसीलिए। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको लगता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये भी एक मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा या? महंगाई भी है दीदी, और
शिक्षा भी है, गरीब लोग तो शिक्षा के लिए परेशान हैं और महंगाई भी, यदि काम कर रहे हैं हम लोग तो उतना पैसा भी नहीं होता, इसलिए महंगाई भी कम करो और पढ़ाई भी, जैसे गरीब के बच्चे को अच्छा अच्छा एंट्री दो। और कुछ महिलाएं हैं खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो महिलाएं काम करती हैं, जो दिन रात जो है अगर बात करें जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या मायने रखते हैं, किस तरह के बयान जो है वो मायने रखते हैं। बढ़िया बढ़िया चलाए, पैसा मिला तेन पैसा मिला, हर चीज खर्चा पानी बा महिला के इससे ओकरे से हमारे वोट देवर जा था। अच्छा। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये सब मुद्दा, हाँ सब रोजगार पानी सब मिलना चाहिए, बयान आते अलग अलग बयान आते सब मिलना चाहिए। तुम्हें मन कोई रैली सभा में गए हो अभी? सुने बर नहीं गया, लेकिन सब ला सबके पैसा आवाए कमाए बर पैसा आवाए, हर चीज बार खंती माटी गोदी ये करे बार, यही महिला बन के सब छत्तीसगढ़ में समाज में सब में आवा ये कराए, वही सब कमाही खाई तभी तो जी ही। क्या सोच के वोट देवर दे हुआ बताओ ना? अब जा वो अब जैसन बन ही तैसन है, अब ये प्राइवेट में सिलेंडर ला ले हम तो हमार मन के लिए ही नहीं कर रहे थे, नहीं हुआ ऐसे की इसे तो मतलब कुछ चीज़ हम मिले नहीं है, मोबाइल नहीं मिली ना, सिलेंडर नहीं मिली ना, इंदिरा आवास नहीं आई तो बोला अपन वोट ला डार दी था ना अपनते हैं सोचू कि भाई घर मिल जाए मोबाइल मिल जाए, यही सोच के तो है करा था ना अपन है, अब मिला इतना ही कहीं हम अल्लाह हो सिलेंडर भर गए हम तो मतलब प्राइवेट में ले डरे तो नहीं मिला कि इसे देखत भले देखे नहीं मिली स्थान अपन ले हूँ ना अपन। विरासत को लेकर बात आ रही है कि भाई विरासत टैक्स को लेकर बात आ रही है कि आपकी संपत्ति का जो हिस्सा है वो लोगों को बांट दिया जाएगा, इस तरह के बयान आते हैं, कांग्रेस कहती है कि झूठ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के मुद्दे, ये आपके दिमाग में रहेगा यूथ के दिमाग में या क्या रहेगा जब वोट देने जाएंगे आप? ऐसे तो हम लोग किसी भी कम्युनिटी को किसी भी धर्म को लेके ऐसे हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं, मतलब सब कम्युनिटी एक ही टाइप का मानते हैं तो हम लोग ऐसे कुछ हिंदू मुस्लिम इस टाइप का नहीं थिंकिंग रखते हैं, तो वैसा कुछ थिंकिंग रख के वोट तो नहीं देंगे। अच्छा ये आप लोग टीवी देखते होंगे तो कई तरह के बयान आते हैं, कभी प्रधानमंत्री के बयान आते हैं, कभी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, अभी के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, देश भर के बड़े बड़े नेताओं के बयान आते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान होते हैं, तो इन बयानों को ध्यान में देख के आप वोट देंगे जो मुद्दे वो उठाते हैं या फिर आप अपने मन से आपको लगता है कि कुछ और इश्यूज़ हैं जिसपे आप वोट देंगे? हम अपने मन से देंगे क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं ना कि कौन कितना काम कर रहा है कैसे कर रहा है, वो चाहे विद्यार्थी के लिए हो या फिर किसी और मतलब ट्राइबल एरिया के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो, तो उस चीज़ को देख के देंगे। तो आप लोग भी वोट देंगे? ना हमारी ड्यूटी लगी है EDC से, हमारा वोटिंग होगा तो हमारा वोट हो जाएगा भी। जब हम अभी ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमारी वोटिंग हो जाएगी। क्या लगता है इश्यूज क्या होने चाहिए आपको लगता है किस बारे में? क्या आप लोग भी वोट देंगे ना तो क्या सोच करके वोट देंगे? भारत का विकास करना है तो हम सोच समझ के देंगे, और उस चीज़ को अभी हम आपको ओपन नहीं कर सकते कि किसको वोट देना है। लेकिन आप लोग ये तो कह सकते हैं कि सबको वोट देने जाना चाहिए? हाँ सभी को जाना चाहिए और अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, है ना, सभी जो 18 के ऊपर हो गए हैं उनको सभी को, ताकि सही तरीके से आप अपने चुनाव मतलब प्रतिनिधि आप चुन सके। सभी को आपको लगता है कि सभी को वोट देना चाहिए, अपना अधिकार का यूज़ करना चाहिए हमको, भले आप नोटा को दो लेकिन ज़रूर जाइए वहाँ पर। बिल्कुल ही हमारा अधिकार है, हमें सभी को वोट करने जाना चाहिए। जी बिल्कुल ही देना चाहिए ताकि हम अपने उचित उम्मीदवार को चुन सकें। तो ये है, और चूंकि इनकी ड्यूटी लगी है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इनको फोर्स नहीं कर सकते कि किस तरीके से जो है वो क्या इनके इशूज़ रहेंगे, और कुछ लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप वोट देने जाएंगी? क्या इश्यूज़ रहेंगे आपके जब वोट आप प्रत्याशी चुने जाएंगे तो लोकसभा में जब चुनाव में भाग लेंगे? अब अपने तरफ से तो यानी अच्छे ही प्रत्याशी चुनेंगे जी। जो भी यानी अच्छा करे अपना कार्य। राहुल गांधी का जो बयान है आर्थिक सर्वेक्षण पे या प्रधानमंत्री का बयान है मंगलसूत्र पे, तो क्या ये इश्यूज़ रहेंगे आपको लगता है? ये तो हमेशा का ये तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहता है। हाँ। मतलब बयानबाजी आपको लगता है मायने नहीं रखती? नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आप यूथ हैं तो आपके दिमाग में क्या रहेगा जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे? यानी जिसे भी हम लोग चुने हाँ। यानी वो आगे चल के हमारे कार्यकर्ताओं जो भी है हाँ। अच्छा काम करें अपने। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि
आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे मंगलसूत्र का बयान हो, ये तमाम तरह के बयान जो हैं और वादे और तमाम घोषणा पत्र पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हम उन इश्यूज़ को लेकर जो हमसे कनेक्ट करते हैं उसको लेकर वोट देने जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भले ही चाहे आपके दिमाग में इश्यूज़ भी ना हो, लेकिन वोट देने के लिए ज़रूर जाइए। तो देखना ये होगा कि वोटर्स के मन में क्या है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके मन में क्या है ये तो आने वाले नतीजों से पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, उनका कहना था कि वो उन इश्यूज़ को ध्यान में रखकर वोट देंगे, बयान चाहे कुछ भी हो, आरोप प्रत्यारोप चाहे कुछ भी हो, जो उनसे कनेक्ट करते हो। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर।